महेश बचपन से ही एक बहुत होनहार बच्चा था, पढ़ाई और खेलकूद दोनों में अव्वल। वो और उसकी दीदी स्टूडियो में जाकर कभी फोटो खिंचवाते, कभी पापा के साथ घूमने चले जाते। उसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। सात साल की उम्र में महेश की जिंदगी में एक तूफान आया और उसके सर से मां का साया उठ गया। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पापा पूरी तरह टूट चुके थे। पापा ने खुद को काम में उलझाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे महेश बड़ा हुआ उसने नए दोस्त बना लिए। वो उन दोस्तों में प्यार और अपनापन ढूंढने लगा था। लेकिन 12 साल का महेश ये समझ नहीं पाया कि वो और उसके दोस्त एक ऐसी अनजान राह पर निकल पड़े थे जिसके अंजाम का उनको अंदाजा भी नहीं था। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते समय कहीं से स्क्रैप उठाना, उस स्क्रैप लेके जाना, उसको बेचना, उससे पार्टी बनाना, तो उस टाइम वो जो भी आता था तो कभी शराब मंगवाता था। तो हम दोस्तों ने भी ऐसा सोच लिया, कुछ नहीं, हम भी इस पर ट्राई करेंगे। 30 रुपये का 30 ml एक वाइन शॉप से लाया था और उसमें हमने 1 लीटर पानी मिक्स करके वो पी लिया। तो 2-3 दिन में हमने पैसा इकट्ठा करके पूरा 1 क्वार्टर लाया था। सुबह के 11:30 बजे हम पिए थे वो, शाम के 6 बजे तक हमको वो नशा था। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पवन चक्की वगैरह रहता है, वो जगह पे जाना, वहाँ पे गलत काम बहुत सारे चलते थे तो किया करते थे। उसे हमको हफ्ते का 10-20 हज़ार रुपया मिला करता था। जो पैसे वाले फ्रेंड सर्कल रहते उनके साथ घूमना उठना बैठना चालू कर दिया, तो वो भी पीते थे तो उनके साथ ज़्यादा ही पीने लगा। उम्र 22 साल थी, शादी कर ली, 2-3 महीने हो चुके थे मेरे शादी को। मैं ऐसे ही घर में आया तो एक दिन ज़्यादा पी के आया था और बीबी ने मेरे को देख लिया, पहचान लिया कि ये नशा करता है, ये शराब पी के आता है घर में। तुम्ही व्यसन का करता है, कशासाठी, कारण काय? मी सांगितलं ते हा ठीक आहे बोलायचं तेवढ्या पुरतं, हा मी आता उद्यापासून दारू वगैरे पिणार नाही, तू सांगतेस ते बरोबर आहे, तुझं सगळं ऐकणार वगैरे, असं ते बोलायचे। सकाळ संध्याकाळ दुपार कंटिन्यू ते दारू मध्येच होते, रात्रंदिवस, रात्रीचं मध्यरात्री घरी यायचे। जैसे बीबी को मालूम पड़ चुका था अभी कि मैं पीता हूँ, मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया। मतलब सुबह 4:30 बजे उठ जाने का तो सीधा शराब पीना चालू कर देना, कभी कभी पैसा नहीं रहता, मैं पापा से मांगता, पापा नहीं देते, उनसे गुस्से में झगड़ा करता था। मैंने बेबी का मेरे 4.5 तोला का एक गहना जाके दोस्तों के लिए, मतलब शराब के लिए भेज दिया। हम शादी वगैरह कोई फंक्शन रहता था तो वहाँ पे देखा कि हर एक के गले में कुछ ना कुछ है, तो मेरे बीबी का गला सुना रहता था। ट्रांसपोर्ट में काम करता था, शराब के कारण मेरे शरीर में जो वीकनेस था उसे मेरी ताकत भी कम पड़ती थी, तो मैंने काम करते समय शराब पीना चालू कर दिया। और वहाँ पे जो ऑयल का बैलर रहता है, ड्रम रहता है, वो उठा रहे थे हम 4 लोग, तो मेरे से वो कंट्रोल नहीं हुआ, उसमें मेरा ये जो उंगली रहता है वो कट गया। और उस पर सोचा कि अभी तक शराब पिया बस हो गया, अभी मेरे सदगुरु की आज्ञा है कि अभी मैं इसके आगे ना जाऊँ। वो आखिरी दिन समझ के उसी दिन से शराब पीना बंद कर दिया। आज अगर मेरे पिताजी मेरे सामने आ जाए तो उनको इतनी खुशी होगी ना। उनके लिए आज का दिन मतलब बहुत बताया भी नहीं जा सकता सर, कितनी खुशी मिल सकती थी उनको। जो भी मैंने गलत किया था वो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पे अभी जिम्मेदारी, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं तो मेरे पे जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। मेरे बीबी के जो भी मैंने गहने भेजे थे उतने मैंने खुद मेरे मेहनत के पैसे से उसके लिए बनवा लिए हैं। म्हणजे मला असं जास्त हाऊस मौज वगैरे असं करायची आवड नाही आहे, पण त्यांना वाटतं की बाबा आपले बायको, आपण दारू पीत होतो तेव्हा आपण काही करू शकलो नाही, मग आता तिला एखादी गोष्ट मला नको असली तरी आणून देतात, गजरे म्हणा। आता गजरा मी सांगितलं नव्हतं आणायला,
तरी सुद्धा तो आणून दिला, घाल घाल म्हणून पाठीमागे लागलं. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आपली बायको पण इतर बायका कशा हाऊस मौज करतात, फिरतात वगैरे, जितल्या तिथं तसं आपल्या पण बायकोनं असं करावं असं त्यांना वाटतं. महेश ने अपनी जिंदगी के, अपने बचपन और जवानी के 16 साल इस नशे में गवाए हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और नए हौसले ने जन्म लिया है. महेश जैसे लोग मिसाल हैं उस जज्बे की जो आपको ज़िंदगी से प्यार करना सिखाता है. अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल, आपके ऑफिस में, जो शराब की आदत नहीं छोड़ पा रहा हो, तो उन्हें दिखाइएगा वेबसाइट poisonswelove.org या फिर वो ईमेल करें poisonswelove@gmail.com पर. मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश.